जय माता दी। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद पहुंच जाते हैं माता मनसा देवी का दर्शन करने के लिए और माता चंडी देवी का दर्शन के लिए। मनसा देवी के लिए आपको 129 रुपीज़ का टिकट लगेगा रोपवे का, और चंडी देवी का आपको टिकट लग जाएगा 229 रुपीज़, क्योंकि मनसा देवी का जो मंदिर है वो 600 फीट के हाइट पे है रोपवे से जाने के लिए, और चंडी देवी का जो मंदिर है वो लगभग 1500 फीट के ऊँचाई पर है, इसीलिए आपको उसका ज़्यादा फेयर लगेगा। टिकट कटाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं लिफ्ट की, और यहाँ पर चेकिंग वगैरह होने के बाद यहाँ पर हम लोग टोकन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबा यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रहता है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले टोकन कटवा लेंगे रुपए का टिकट कटाने के बाद। यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 23 नंबर का टोकन। 23 नंबर का टोकन लेने के बाद हम लोग अपने वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा नंबर आ चुका है। यहाँ पे खाने वगैरह का भी वेटिंग हॉल में व्यवस्था है, अगर कोई बच्चे लोग को आप लोग को भूख लगी है तो वहाँ पे खा सकते हैं। उसके बाद हम रोपवे लेके ऊपर की ओर निकल जाते हैं। आप सड़क मार्ग के थ्रू भी जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रोपवे ही एक सहारा है ऊपर जाने का माता का दर्शन करने के लिए। आप सड़क मार्ग के थ्रू भी जा सकते हैं। ये देख लिए लोग जा रहे हैं लोग सब सड़क मार्ग, लेकिन सड़क मार्ग के थ्रू जो है वो आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा लगभग मनसा देवी के लिए, चंडी देवी के लिए लगभग 5 से 6 किलोमीटर पड़ जाएगा। आप माता का जय जयकार लगा के जय माता दी बोल के आप अपने हौसले को करके ऊपर चढ़ सकते हैं सड़क मार्ग के थ्रू। उसका सड़क मार्ग जाने का एक अलग ही आनंद होता है, लेकिन हम लोग पास समय कम था इसलिए हम लोग रोपवे ले लेते हैं। सब परिवार हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही आप लिफ्ट से उतरिएगा उसके बाद आपको वहाँ से ही लाइन स्टार्ट हो जाएगा माता का मंदिर के दर्शन के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं हम लोग उतर चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद सीधा आपको लाइन में जाके लग जाना है। यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है कि आपको इधर उधर जाना है, सीधा मतलब रोपवे से उतरिएगा और यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाएगा, तो आगे लाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आप माता के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, चुन्नी वगैरह नारियल वगैरह हम लोग ले लेते हैं प्रसाद माता दर्शन। उसके बाद लाइन में लग जाते हैं जय माता दी का नारा लगाते हुए। और यह माना जाता है कि मनसा देवी का मंदिर जो है एक शक्ति के स्वरूप में मनसा देवी के पवित्र निवास के रूप में जाना जाता है। और यह कहा जाता है कि यह मनसा देवी जो है ये भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री मानी जाती है, और मनसा को नाग वासुक की बहन भी माना जाता है, और ये काफ़ी शक्तिशाली एक शक्तिपीठ के रूप में है। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए फाइनली एक मनसा देवी का गेट के पास पहुँच चुके हैं। और प्रेम से बोलिए जय माता दी। यहाँ पे देख लीजिए पहले हम लोग चढ़ावा चढ़ा देते हैं। ये इंट्रेंस में है, ये मेन मंदिर नहीं है अभी, यहाँ पर ये स्टार्टिंग हो चुका है। यहाँ पर ये हवन कुंड है, यहाँ पर भी आप अपना अगर लेके गए हैं यहाँ पे देखिए माता का दर्शन कर लीजिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी जय मनसा देवी। यहाँ पे फिर छोटे छोटे बाकी मूर्ति सब हैं। यहाँ पे हनुमान जी का भी दर्शन कर लीजिए, काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, यहाँ पे लक्ष्मी जी का ना भी दर्शन कर लीजिए आप। यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है, शिव जी का भी हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग पूजा वगैरह करके बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए काल भैरव जी का मंदिर भी है यहाँ पे। आप जब भी यहाँ पे आए तो इसी तरह रोपवे लेके ऊपर पहुँच गए। यहाँ देखिए माता वैष्णो देवी का भी मंदिर है, यहाँ पे बनाया गया है, काफ़ी यहाँ पे सुंदर है। उसके बाद हम लोग वापस रोपवे ले लेते हैं नीचे की ओर। अब देख सकते हैं चारों बगल गंगे नदी और पहाड़ों का आपको दर्शन करते हुए आप धीरे धीरे, बहुत ही काफ़ी आनंद आया हम लोग को। इसी तरह वीडियो में बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।